शुरू की पढ़ाई कैसे गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 3 क्लास तक पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोग मंजूर कॉलोनी से यहाँ पर शिफ्ट हो गए मेहरान टाउन। अच्छा जी, वहाँ पर एक स्कूल था जी, ये ग्रीन क्रीसेंट ट्रस्ट का इदारा है। अच्छा। वो हिलाल पब्लिक स्कूल, उनकी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर द सिंध, 60 ब्रांचेज हैं इनकी। अच्छा। जी, जो गरीब बच्चे होते हैं, ऑर्फन जैसे यतीम बच्चे, मिस्कीन बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते फीस, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम देते हैं। तो आप लोगों ने उधर पढ़ाई? जी, वहाँ पढ़ाई की और कोई फीस नहीं थी, सिर्फ यूनिफॉर्म एक था जो हम खुद मतलब उसको हमें परचेज करना पड़ता था, बाकी जो बाकी एक्सपेंसेस थे वो हमारा स्कूल ही अफोर्ड करता था। वहाँ से स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद जैसे मैट्रिक हुआ मेरा, फिर मैं था कॉलेज में एडमिशन लेना था लेकिन इतना नहीं था। सिस्टर्स भी बड़ी थी माशाल्लाह से, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी जो सिस्टर कुरान की हाफिज वो जॉब करती थी, उन्होंने मुझे पॉकेट मनी देती थी जैसे 2500 ना, उसमें मुझे अपना कॉलेज का बस का कराया। तो वो पॉकेट मनी कैसे देती थी? वो कहीं नौकरी करती थी? जी जी, जॉब करती थी वो। अच्छा। मतलब उन्होंने जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सिस्टर ने मुझे पढ़ा। मतलब अम्मी ने बच्चों को सपोर्ट किया, फिर बड़ी बहन भाइयों ने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट किया, इस तरह ये सर्कल चलता रहा। मेरी सिस्टर जो थी वो बाइंडिंग करती थी, जैसे स्कूल में थी ये बुक बाइंडिंग होती है ना, ये स्कूल के बच्चों की, तो उनको बाइंडिंग मिल जाती थी, तो उससे हम मिलके बहने सब मिलके बाइंडिंग करते थे। अच्छा। घर में जी, तो ऐसे हमारे घर को भी सपोर्ट हो जाती थी और हमारे तालीम के एक्सपेंसेस जो भी होते थे वो भी सारे कवर हो जाते। अच्छा। थे जी, इस तरीके से। फिर जैसे ही मैंने इंटर की सॉरी मैट्रिक किया, फिर मैं साथ साथ बच्चों को होम ट्यूशन, जैसे प्राइमरी के अच्छा, बच्चे अच्छा, होते हैं छोटे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने जो है अपने मतलब तमाम बैच में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए थे। तो अब्बू का क्या करना था? अब्बू का करना ये था कि अब्बू हमेशा मतलब जो होता था उससे घर का गुजर बसर होता था, अब्बू भी काम करते थे। लेकिन अब्बू ने कभी ये तो नहीं कहा जैसे अम्मी के खिलाफ खड़े होकर बेटियों को पढ़ा रही? नहीं, फादर कभी कभी हो जाते थे कि ये तो पराया घर में जाएंगी, हम लोगों ने कौन सा इन लोगों से जॉब करानी है क्या। लेकिन मदर कहती थी कि पराया घर भी अब आपको पता है आगे के हालात का नहीं पता, जमाना बदल रहा है, लोगों की क्या सोच है, आगे कैसे लोग होंगे। तो तुम्हारी अम्मी का विजन इतना मतलब फ्यूचर कॉन्शियस वो कैसे थी? वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कैसे उनका विजन इस तरह? बस ये शायद गॉड गिफ्टेड था, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात की कि बहुत लोग खुश होते कि दीनी तालीम भी आपने अपने बच्चों को दी और साथ में दुनियावी तालीम भी। जी, तो तुम्हारे 9 बहन भाइयों में से कितने बहन भाई पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बहन भाई पढ़े लिखे, सारे 9 के 9। जो भाई हैं वो इतना पढ़े लिखे नहीं, मैट्रिक किया हुआ है भाइयों ने। अच्छा। लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ सके क्योंकि वो भी फादर के साथ, फादर अब मेरे 65 ईयर्स के हैं, वो घर ही होते हैं जी, क्योंकि वो अब इस कंडीशन में नहीं कि काम करते। भाई कोई मिस्त्री का काम करता है? जी भाई एक मेरे कलर वगैरह का काम करते हैं, एक मेरे ये इम्तियाज स्टोर वहाँ पर जॉब करते हैं, इस तरीके से। छोटा भाई जो इतना पढ़ नहीं पाए वो उतना आगे नहीं, लेकिन भाइयों की भी काफी सपोर्ट थी, भाई भी हमें चाहते थे कि हम लोग भी पढ़े, वो खुद जॉब करते थे। जी मेरे अब्बू ये टावर पर कपड़े का स्टॉल भी लगाते रहे। तो आप अभी आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, अभी मैं अनमैरिड। आपने आपने अपने फ्यूचर क्या सोचा हुआ, क्या आपने जो आप कमाती हो तनख्वाह उससे आपने अपने घर में क्या क्या चेंजेस लेकर आई? काफी चेंजेस भी, पहले ऐसा होता था हमारा घर ऐसा होता था जैसे बारिश होती थी जो रेन वाटर होता है वो छतों से मतलब गिरना ये, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब बहन भाइयों की मेहनत से लेंटर वाला घर बनाया है। अच्छा, RCC जिसे कहते हैं, तो अच्छा घर बना लिया हम लोगों ने। बाकी हम लोग जैसे कभी होता था हमारे एक वक्त होता है, एक वक्त नहीं, कभी ऐसे भी हालात आते हैं जिंदगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो ऐसे डिजर्विंग पीपल हैं उनकी हम खुद हेल्प करते हैं, जो हमारे एरिया में रहते हैं, जो हालात हमने देखे हम चाहते हैं हम उससे लोगों को जो है उनकी सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों ने जिंदगी अपनी खुद बदली, आपकी अम्मी की अकलमंदी, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी नहीं। लेकिन उनकी अकलमंदी काम आई, और अगर वो आपको सपोर्ट ना करती तो आज आप यहाँ पुलिस नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑफिसर ना बनके एक एक ये एक व्हाइट कॉलर जॉब है, आपका एक स्टेटस बढ़ गया, इज्जत की नौकरी है, बहुत अच्छा है। Assalamu alaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AirY Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.